हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग आज जा रहे हैं वशिष्ठ। और ये हम देख रहे हैं वशिष्ठ का एंट्री पॉइंट, जहाँ पर हम लोग पल्टन बाज़ार से निकले और अभी वशिष्ठ में आके पहुँच रहे हैं। और सुबह लगभग 9:30 बज चुका है और ये देखिए मंदिर का जो एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पर इससे आगे जो व्हीकल है इससे आगे जा नहीं सकते। और हम लोग 3-4 आदमी हैं, मेरे साथ मेरे दो भांजी और मेरे साथ मेरा बहन। और हम लोग निकल पड़े आज वशिष्ठ एक्सप्लोर करने के लिए और देखते हैं सामने में क्या होता है। और इसके बाद मेरे छोटे जो भांजी है उनको बहुत सा भूख लगा है, तो मैं उनको खाने के लिए साथ में एक छोटा सा ढाबा बोल सकती है आप, पूरी सब्जी का दुकान है वहाँ पर रखेंगे। और ये देखिए पूरी सब्जी बहुत ही लाजवाब था। और इसके खाने के बाद हम लोग आगे निकलते हैं और देखते हैं ब्यूटीफुल नेचुरल सिनारी वशिष्ठ का आश्रम का। और ये वशिष्ठ आश्रम में आप चारों तरफ से बहुत सारा गोट देख सकते हैं, जो ये गोट लोग है, छागली है जो है, मतलब ये मंदिर में ऐसे लोग छोड़ देते हैं। आप बाजार वहाँ लगता है, बालटोली में जो बाजार जो लग रहा है ना, बाजार के साइड में चौक पर ही वो मंदिर बहुत विख्यात मंदिर वाले, वो जो है क्या नाम है, हम लोग वैष्णो देवी मंदिर सुना होगा आपने, वैष्णो देवी सुना है, सुना है दामन, हम लोग वहीं पर ही जाते हैं। पसंद नहीं बताया नहीं वहाँ कानपुर जी का है, सही बात है। मामा जी तो खुल गए ना, काम कर रहे हैं इतना जल्दी कि हमने इनको सुन लिया, हम दोनों का लाइफ से छोटा है कष्ट का लगे ना, कौन होए बेसिक होए और सामने सोच रखने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं आगे देखने के लिए। चलिए मेरे साथ देख आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक बहुत सुंदर नेचुरल लेक है और ये देखिए छागली है जो गोट से जो मंदिर में रहता है और जो भगत लोग हैं उसको छोड़ देते हैं। और ये मंदिर का चौड़ा है सामने की करब जल मत लगा
स्नान हुई से फोड़बो फोड़ले मारो तो फटी जाइबो एक बारे हम लोग का वशिष्ठ का जो आश्रम का जो एक विजिट जो अचानक हो गया तो इसका हम साइन अप करते और देखते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर ही जाते हैं। और यहाँ पर आके बहुत ही आनंद मिला और वशिष्ठ का जगह बहुत ही मनोरम है। हम सबको बोलेंगे कि एक बार आइए वशिष्ठ विजिट करके आइए, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारा सा जगह है। ठीक है, चलते हैं बाबा। थैंक यू। नमस्ते। सो अभी वशिष्ठ से हम लोग निकल रहे थे तभी एक अंकल मिल गए और ये जो अंकल है पुणे से आए हैं और अभी इनका जज्बा देखिए, वो सेवन सिस्टर घूमने के लिए निकल पड़े हैं और वो भी बाइक से निकल पड़े। मतलब अभी ट्रेन से बाइक आ रहा है फिर वो तांग जाएंगे। तो सर जी नमस्ते। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट। और आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम प्रवीण मानकर है, मेरा एज 63 है और मैं अभी नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए बहुत तमन्ना थी इसलिए बाहर पड़ा हूँ। मेरी टू व्हीलर आने के बाद मैं यहाँ से मेरा प्रवास शुरू करूँगा। पहले तवांग जाऊँगा, बाद में जीरो वैली जाऊँगा, बाद में किबित्तू जाऊँगा, किबित्तू से ईटानगर, ऐसा करके 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 मैं पूरे सेवन सिस्टर देख लूँगा। जय बजरंग बली। और मैं पूना से नहीं है, मैं नासिक से हूँ। लोगों को पूना ज़्यादा मालूम है नासिक से, लेकिन नासिक में कुंभ मेला होता है। हाँ, वो तो मालूम है, कुंभ मेला भी होता है और ग्रेप्स का बहुत बड़ा कारोबार है। ग्रेप्स है, ओनियन है। नासिक का हम वशिष्ठ आश्रम में आए हैं। वशिष्ठ आश्रम टमाटर भी मिलते हैं नासिक के। बहुत मिलते हैं टमाटर। और नागपुर में संतरी मिलती है। तो आप कभी भी महाराष्ट्र आओगे तो मेरी सर कॉन्टेक्ट कीजिए और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो गई। धन्यवाद।